Omzi mamzi mam bing bing bo tan 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 se tar chi batte chaati se omzi mamzi mam bing bing bo. Hello and what's up guys, welcome back to the new video. तो आज भी मेरे पास बहुत सारे Minecraft community and Yudu community की interesting news है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना and also अगर तो आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, because मैं ऐसे ही तुम लोग के लिए रेगुलरली न्यूज लाता रहता हूँ. Now, बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं चपाती गेमर एंड लॉगी गेमर के बारे में. तो कल वाली न्यूज वीडियो में ऑलरेडी हमने तुम्हें बताया था कि लॉगी गेमर अपने मेन चैनल के ऊपर यार 5 महीने से कोई भी वीडियोस को अपलोड नहीं कर रहे, लाइक भाई वो एकदम प्रॉपरली इनएक्टिव हो गए अपने चैनल पे. तो कल चपाती गेमर यार अपने मौसमी वाले चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो वहीं पर वो बात करते हैं लॉगी गेमर के बारे में कि क्या लॉगी गेमर हमें कब तक देखने को मिलने वाले हैं एंड वो क्या कुछ रिप्लाई करते हैं इस चीज पे, देखो तुम लोग. लॉगी की तरह, अरे मैंने बताया ना लॉगी फिलहाल ब्रेक पे है, वो आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, आप उनको खुद लेके आएगी, नो टेंशन नॉट भाई. आते ही आरजे गेमर चपाती भाई लॉगी कहां पर है? अरे अभी बोला लॉगी वेरी सून आ जाएगा. ओके, अरे अपना छोटा नेफ्यू है यार, हमको छोड़ के आपको छोड़ के किधर जाएगी, टेंशन नॉट मेरे भाई. एंड आल्सो जैसा कि यार चपाती गेमर ने भी अपने YouTube चैनल के ऊपर में कमबैक कर लिया है, तो यार मोस्ट प्रोबब्ली हमें लॉगी गेमर भी अपने मेन चैनल के ऊपर में काफी जल्दी देखने को मिल सकते हैं. एंड यार बाकी यार मेरे को इसके रिलेटेड और भी कुछ अपडेट्स वगैरह मिलेगी तो मैं तुम लोग को जरूर बता दूंगा. ओके, सो बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं मेरे ही बारे में. तो मेरा हर एक पॉडकास्ट आउट हुआ है पॉडकास्ट विद कुणाल के साथ में Spotify के ऊपर में, जहां पर यार हमने बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया है, कंट्रोवर्सीज के रिलेटेड एंड ऑल्सो मेरे चैनल से रिलेटेड, मेरे यार फ्यूचर प्लान से रिलेटेड. तो अगर यार तुम मेरा पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके सुन लेना. ओके, सो बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं बेबू के बारे में. तो ऑलरेडी यार आप सारे लोग बेबू को तो जानते होंगे, काफी ज्यादा पॉपुलर माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर हैं. एंड ऑल्सो तुम्हें याद होगा अभी कुछ टाइम पहले से ही माइनक्राफ्ट कम्युनिटी में काफी तगड़ा एक ट्रेंड चला था, जो कि था माइनक्राफ्ट 100 डेज सर्वाइवल वीडियो. एंड उस पर यार काफी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बनाई थी. तो फिर रिसेंटली यार बेबू ने भी प्लान किया कि वो भी माइनक्राफ्ट 100 डेज सर्वाइवल वाली वीडियो बनाएंगे एंड उन्होंने उसे बनाना स्टार्ट भी किया. बट भाई उसको बनाने में उनको एक काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई एंड इसी के रिलेटेड बात करते हुए उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो को अपलोड किया एंड वो क्या कुछ कहते हैं एंड आल्सो क्या कुछ बताते हैं देखो तुम लोग. माइनक्राफ्ट 100 डेज, तुम लोगों ने हर एक माइनक्राफ्ट यूट्यूबर को देखा होगा इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हुए, तो मैंने डिसाइड किया मैं भी बनाता हूं. बट देयर वाज अ ट्विस्ट, ये वीडियो मैंने पिछले साल रिकॉर्ड किया था. इस वीडियो को बनाने में मुझे 200 GB ऑफ स्टोरेज लगा. मैंने इस वीडियो को एडिट करना कुछ दिनों पहले ही चालू किया. मैंने पूरे वीडियो को कट किया और 45 मिनट्स का एडिट किया. सब एडिट करने के बाद नेक्स्ट डे मैंने सिनेमैटिक्स रिकॉर्ड किया और फिर मैंने एडिटिंग का फाइल खोला और मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया. मुझे लगा होता रहता है, तो मैंने वापस स्टार्ट किया, वो वापस क्रैश हो गया. मैंने पीसी रिस्टार्ट किया, फिर ट्राई किया और फिर मुझे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ दिखा. आई एम टेरिफाइड ऑफ दिस एरर. और अभी हर बार जैसे मैं फाइल खोलता हूं मुझे ब्लू स्क्रीन दिखता है, सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता है. अब मैं ये 200 GB का क्या करूं, पूरा डिलीट कर दूं या दूसरा ऑप्शन वीडियो को छोटा करके एडिट करके डाल दूं, तुम लोग कमेंट करके बताओ. ओके, सो बढ़ते अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं आईशो स्पीड के बारे में. तो ऑलरेडी यार आप सारे लोगों को पता होगा कि कल आरसीबी का आईपीएल मैच था, जो कि उनके लिए मस्ट विन मैच था, लाइक भाई उनको जीतना ही पड़ता वो मैच. तो उसे मैच में यार विराट कोहली ने 100 रन्स बनाए, लाइक भाई सेंचुरी मारी. एंड विराट के 100 रन्स बनाने पे ही आईशो स्पीड भी यार अपने रीसेंट वाले लाइव स्ट्रीम में रिएक्ट करते हैं एंड भाई उनका बहुत ज्यादा क्रेजी रिएक्शन आता है, देखो तुम लोग. Bro, Virat Kohli hit 100 goals in one game? How is that possible? Bro, Virat hit 100 goals in one game? He's the GOAT. I'm sorry. Did Bobo Awesome do that? Hell no. Did Messi do that? Hell no. What is this though? What the fuck? Ah, bro. Is that Virat Kohli cousin? And Aishwarya Speed के reaction पे जो सबसे ज़्यादा भाई funny part था, वो था कि Aishwarya Speed को ये लग रहा था कि विराट कोहली ने 100 goals मारे हैं, but वहाँ पर 100 run थे. अब Speed जो है वो football ज़्यादा देखता है, तो उसको ये लगता है कि हर sport में goal ही होता है, but cricket में भाई runs होते हैं, तो वो थोड़ा सा confused हो गया था. और बाकी तुम्हारे क्या कुछ reaction है इस चीज़ पे, मेरे को comments में जरूर बताना. Okay, so बढ़ते अपनी next news की तरफ, बात कर लेते हैं BGMI के बारे में. तो जैसा कि ऑलरेडी यार आप सारे लोगों को पता ही होगा कि BGMI काफी ज़्यादा time से भाई ban पड़ा हुआ है, अभी BGMI काफी जल्दी वापस आने वाला है.
दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो BGMI के यार जो पेरेंट कंपनी है क्राफ्टन, उन्होंने एक स्टेटमेंट डाला इंटरनेट पे। लाइक वो सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पे ये एक पोस्ट करते हैं दो, जिसके कैप्शन में यार वो मेनली गवर्नमेंट को सबसे पहले थैंक यू कहते हैं। उसके बाद में वो ये भी बोलते हैं कि एज अ रिस्पॉन्सिबल साउथ कोरियन कंपनी वो इंडियन गवर्नमेंट के सारे लॉ को फॉलो भी करेंगे। और इसके बाद में यार उनके स्टेटमेंट में ये भी लिखा जाता है कि BGMI को दोबारा से रीलॉन्च किया जाएगा, इसके बाद में सारे लोग उसे खेल पाएंगे। जो BGMI के पेरेंट कंपनी है क्राफ्टन, उसे इस बार इंडियन गवर्नमेंट की बहुत सारे रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ऑल्सो यार BGMI के कमबैक के रिलेटेड काफी सारे यूट्यूबर्स भी रिएक्ट करते हैं। लाइक सबसे पहले रॉनी कहते हैं आशीर्वाद टाइम, इसके बाद में ऋषभ गेमिंग कहते हैं फाइनली, इसके बाद में टैडी गेमिंग कहते हैं कांग्रेचुलेशंस, टेक्नो गेमर्स भी रिएक्ट करते हैं तुम लोग देख पा रहोगे, एंड खतरनाक किसान भी कहते हैं तुम लोग खेलोगे या फिर नहीं। इसके बाद में प्रणव भी रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं स्टे दिस टाइम, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द गेमिंग स्पेस। एंड ऑल्सो लास्ट में खतरनाक किसान ने BGMI के अनाउंसमेंट के रिलेटेड एक ट्वीट भी किया, जिसमें वो कहते हैं आफ्टर BGMI अनबैन अनाउंसमेंट गेमर्स मस्त गेम खेलूंगा, टेक रिव्यूअर्स फाइनली परफॉर्मेंस टेस्ट का गेम वापस आया। अब बाकी तुम्हारे क्या कुछ रिएक्शन है यार इस चीज पे, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं वेडजी के बारे में। तो जैसा कि ऑलरेडी यार तुम्हें पता होगा कि वेडजी ने अपने चैनल के ऊपर में भाई महीनों महीनों से कोई भी वीडियोस को अपलोड नहीं किया है, एंड कुछ पिछली वाली न्यूज वीडियोस में ही मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि वेडजी ने यार अनाउंस किया था कि वो अपने चैनल के ऊपर में अब काफी जल्दी वापस आने वाले हैं, एंड ऑल्सो वो अपने न्यू वीडियो की यार शूटिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो ऑल्सो उन्होंने यार एक और भी रिस्पॉन्स किया इसी चीज के रिलेटेड, एंड उन्होंने एक ट्वीट किया, एंड वो कहते हैं डोंट वरी पीपल आई हियर यू, वीडियो इज सो क्लोज टू डन, गिव मी वन और टू मोर डेज एंड आई विल अपलोड अगेन। तो यार वेडजी के चैनल पे उनकी न्यू वीडियो बहुत जल्दी वापस आने वाली है, तो तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं क्रेजी दीप के बारे में। तो ऑलरेडी यार आप सारे लोगों को क्रेजी दीप के बारे में तो पता ही होगा, एक काफी ज्यादा पॉपुलर रोस्टर है। तो क्या क्रेजी दीप अपने यूट्यूब चैनल को डिलीट करने वाले हैं? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो क्रेजी दीप ने कल रात में एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं इस बार RCB नहीं जीती तो मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा। अब भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि RCB के ऊपर भाई अब कितना ज्यादा प्रेशर आ चुका है, क्योंकि यार अब टोटल गेमिंग भी RCB के जितने पे फेस रिवील करेंगे, एंड क्रेजी दीप अगर यार नहीं जीती RCB तो वो अपना चैनल डिलीट कर देंगे। अब भाई RCB के ऊपर तो फुल प्रेशर ही प्रेशर बना हुआ है। अब बाकी तुम्हारे क्या कुछ रिएक्शन है इस चीज पे, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं ड्रीम बॉय के बारे में। तो क्या ड्रीम बॉय का फेस रिवील ऑलरेडी हो चुका है? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ये न्यूज है आप ही लोगों में से किसी ने मुझे को सबमिट करी थी। तो लाइक होता क्या है कि यार जो ड्रीम बॉय का चैनल है उस पर उन्होंने 3 साल पहले एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, जब यार उनका सिल्वर प्ले बटन आया था उनके चैनल पे, लाइक जब उनके 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे तो उन्होंने एक पोस्ट किया था जो कि ये था। इसमें तुम लोग देख पा रहोगे यार ड्रीम बॉय को पूरा, उन्होंने अपने सिल्वर प्ले बटन को हैंड में होल्ड किया हुआ है। एंड यार यहाँ पर यार उनका पूरा फेस तो नहीं दिख रहा, बट यार इससे बहुत सारे यार फेस के यहाँ पर तुम प्रेडिक्शंस लगा सकते होगे किस टाइप के वो दिखते होंगे। अब बाकी यार तुमने इस चीज को पहले आज से नोटिस किया था या फिर नहीं, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके सो बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात लेते हैं ड्रीम के बारे में। तो क्या ड्रीम का फोन नंबर लीक हो चुका है? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो लाइक हुआ क्या कि अभी यार कुछ दिन पहले टॉमी निट अपने ट्विच अकाउंट पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, एंड वहीं पर यार वो अपने फोन से ड्रीम को कॉल करते हैं। एंड तुमने एक चीज को यार नोटिस किया होगा कि जब भी यार तुम अपने फोन से कस्टमर केयर को कॉल लगाते हो तो वहां पर यार जो कंप्यूटर होता है वो आपके नंबर को रिपीट करता है। तो यार टॉमी निट के साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब यार वो ड्रीम को कॉल लगा रहे थे तो वहां पर जो सामने से जो कंप्यूटर था वो ड्रीम के नंबर को अपने मुंह से बोलने लगता है। अब इसके बाद में यार टॉमी निट का क्या कुछ रिएक्शन था तुम लोग खुद ही देख लो। you know exactly who I ring. One sec. Big lad, big fella. Big Q. Even worse. Dream? What? Big fella. I'm calling the big fella. Your call has been forwarded to an automated voice messaging system. The fuck? 4-0. अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात करते हैं हिमलैंड्स के होगालाला के बारे में। तो क्या जो हिमलैंड्स का होगालाला है उसको यस एस माडपाई ने यार किसी और बिग यूट्यूबर से कॉपी किया है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो कल यार रजत ने अपने चैनल के ऊपर में ये वाली वीडियो को अपलोड किया, जिस वीडियो में यार वो बताते हैं कि जो हिमलैंड्स का होगालाला है उससे पहले यार वो जो होगालाला की स्किन थी वो किसी और एक बिग यूट्यूबर ने यार ऑलरेडी यूज की हुई थी, उसके बाद में स्पाडेपाई ने यार उससे इंस्पायर होकर वो चीज को हिमलैंड्स में लाया था। और बाकी वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बताते हैं देखो।
तुम लोग? हिमलैंड्स में सबसे पहले एंटिटी के रूप में होगालाल आया, लेकिन क्या आप लोगों को पता है होगालाला का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है? सबसे पहले एक फॉरेन यूट्यूबर रेज इलेक्शन ने अपनी एसएमपी में एक एंटिटी की स्टोरी बनाई थी जिसका नाम ब्लैक एंटिटी रखा गया और उसके पास जंप बूस्ट करने वाली पावर्स भी थी। I just started floating. Oh my, this is scaring me. No. Can I not hit it? Oh, I can hit it. Oh, no. And everything now. He wasn't running away before. Okay. Yeah, he's scared. He's definitely scared of us now. I'm using the shield. Where is he? I'm using the shield. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं होगालाला की जो स्किन है इसी एंटिटी से मिलती है और साथ ही दोनों के पास पावर्स भी सेम है। इस ब्लैक एंटिटी से इंस्पायर्ड होकर हमारे इंडिया में सबसे पहले टेडी गेमिंग ने भी एक एंटिटी की स्टोरी बनाई थी और उन्होंने अपनी एंटिटी का नाम बुगीमैन रखा था और बुगीमैन की जो स्किन थी वो भी इसी एंटिटी से मिलती थी। लाइटनिंग कैसी थी? ओ, एक मिनट, तुम कौन हो? नल, तुम्हें क्लोन बनाना भी आता है क्या? लेकिन ये तो दिखने में तुमसे बिल्कुल अलग है भाई, तुम हो कौन? ओ, टेडी गेमिंग के बुगीमैन के 2 महीने बाद स्मार्टी पाई अपने सरोवर में होगालाला को लेके आते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि इन तीनों एंटिटीज में सबसे ज्यादा पॉपुलर और पावरफुल होगालाला है। तू किसको पेलता हूँ जरा भाई, इस बंदे के पास आर्मर नहीं है यार, मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा? हेलो, मेरे पीछे पड़ गया बंदा। ओके, सबरते अपनी लास्ट न्यूज इवेंट की तरफ जो कि है यूट्यूबर्स की नई वीडियो अपलोड्स के बारे में। तो लाइक है, सबसे पहले एंड्रियो बी की नई वीडियो वॉच की है, रचित्रो की नई वीडियो वॉच की है, आंदिक्सु की नई वीडियो वॉच की है, नॉट गेमर फिट चैनल की नई वीडियो वॉच की है, इसके बाद में चपाती गेमर की नई वीडियो वॉच की है। तो सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलो यार, बस अभी के लिए इतनी न्यूज थी, लड़ाके जो भी न्यूज मिलेगी यार मैं तुम्हें सुनू बता दूंगा। न्यूज सबमिशन की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके न्यूज सबमिट करना। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।